Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. इंश्योरेंस ब्रोकर का काम करने की मंजूरी ली थी एंड्रयू शियर। गन वायलेंस की रोकथाम का मंसूबा काफी हद तक मौसर रहा है टोरंटो पुलिस चीफ। एनडीपी रहनुमा जगमीत सिंह का चाइल्ड केयर के लिए 10 बिलियन डॉलर खर्च करने का वादा। मैंग वैंग जू के साथ गिरफ्तारी के दौरान कुछ भी गलत नहीं हुआ, सरकारी इस्तगासा। ट्रंप ने ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम से म्यूलर तहकीकात में मदद मांग ली। ट्रंप से मुतालिक तहलका खेज खबर व्हाइट हाउस से एक तालबेल ले उड़ा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. लिबरल सस्केचुआन की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के उम्मीदवारों से कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शियर के मुबैना तौर पर झूठे दावे के लिए तफ्तीश का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने एक बार इस सूबे में इंश्योरेंस ब्रोकर की हैसियत से काम किया था। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लिबरल सस्केचुआन की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के उम्मीदवारों से कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शियर के मुबैना तौर पर झूठे दावे के लिए तफ्तीश का मुतालबा कर रहे हैं, जो उन्होंने एक बार इस सूबे में इंश्योरेंस ब्रोकर की हैसियत से काम किया था। कंजर्वेटिव पार्टी की मौजूदा वेबसाइट और उनकी माजी के रुकने पार्लियामेंट और क्यादत की वेबसाइटों पर शाया की गई शेयर की नस्वान हयात में बार बार कंजर्वेटिव लीडर को सस्केचुआन में एक बार इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम करने का हवाला दिया गया है। तहम ग्लोब एंड मेल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिल सका है कि शेयर को किसी सूबे में इंश्योरेंस ब्रोकर की हैसियत से अमल करने के लिए जरूरी मंजूरी मिली है। शेयर ने हफ्ते के रोज वाजे करते हुए कहा था कि मुझे मंजूरी मिली थी जबकि मैंने लाइसेंस देने के अमल को हतमी शक्ल देने से पहले ही इंश्योरेंस ऑफिस छोड़ दिया था। तहम लिबरल्स इस जानब इशारा कर रहे हैं कि किसी का भी बगैर लाइसेंस के ब्रोकर की हैसियत से काम करना सस्केचुआन सूबे के कवानीन के खिलाफ है। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो पुलिस चीफ मार्क सैंडर्स का कहना है कि गन वायलेंस की रोकथाम का मंसूबा काफी हद तक मौसर रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस चीफ मार्क सैंडर्स का कहना है कि गन वायलेंस की रोकथाम का मंसूबा काफी हद तक मौसर रहा है। 11 हफ्तों पर मुश्तमिल मंसूबा, जिसे प्रोजेक्ट कम्युनिटी स्पेस का नाम दिया गया है, सैंडर्स का कहना है कि इस मंसूबे के तहत 246 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं, जबकि 525 चार्जेस लगाए गए। सैंडर्स का कहना है कि ये मंसूबा शहरियों की हिफाजत को बढ़ाने, इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने और केसेस को हल करने और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अपराध की गिरफ्तारी के लिए मौसर काम कर रहा है। उनका कहना है कि मंसूबे के आगाज में शूटिंग के वाकयात में 30% कमी आई है। सैंडर्स ने बताया कि 12 अफराद जो आतिशी असलाह रखने के इल्जाम में अदालत से बरी हो गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से 876 जमानतों को चेक किया गया। टोरंटो पुलिस चीफ का मजीद कहना है कि मंसूबे के जरिए स्ट्रीट गैंग की मौजूदगी वाले इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जबकि हम इसे काफी मौसर देखते हैं। एनडीपी रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो आइंदा 4 सालों में चाइल्ड केयर के लिए 5 लाख नई जगह तामीर करेंगे, जिसके लिए 10 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
एनडीपी रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो आइंदा 4 सालों में चाइल्ड केयर के लिए 5 लाख नई जगह तामीर करेंगे जिसके लिए $10 बिलियन खर्च करेंगे जबकि चंद वालदैन को मुफ्त खिदमात भी मुहैया की जाएंगी। सिंह का कहना है कि कीमतों को $10 यौमिया तक महदूद किया गया है। इससे मुतालिक एक मनसूबा क्यूबिक में बनाया जाएगा जैसा कि गुज़िश्ता साल ब्रिटिश कोलम्बिया में बनाया गया था। सिंह का कहना था कि हमारा मकसद आलमगीरियत को हासिल करना है जिसमें उन खानदानों की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी जो इसकी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और $10 यौमिया उनके लिए है जो उसे 2030 तक सस्ता और काबिले रसाई बना सकते हैं। उनका कहना था कि हम जानते हैं कि ये मुश्किल काम है ताहम इसके लिए हम एक कानून लाएंगे ताकि शहरी दही दूर दराज इलाकों और मुल्क भर में बच्चों की निगहदाश्त को यकीनी बनाया जा सके। To build 500,000 new affordable childcare spots, licensed childcare spots across this country. Because 1 in 4 kids under 6 have childcare, but that means 3 out of 4 kids do not. This is really difficult for so many families and so many kids. So we want to change that. We want to make real investments. Our goal is to make sure that no kid goes without childcare, that every family gets the childcare they need. That's my commitment to you, and together we can make that happen. कनाडा के सरकारी इस्तगासा का कहना है कि हुवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव मैंग वेंग ज़ू के वैंकूवर के हवाई अड्डे पर उनकी गिरफ्तारी के दौरान सरकारी हुकाम की जानिब से कोई नामुनासिब अमल नहीं किया गया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सरकारी इस्तगासा का कहना है कि हुवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव मैंग वेंग ज़ू के वैंकूवर के हवाई अड्डे पर उनकी गिरफ्तारी के दौरान सरकारी हुकाम की जानिब से कोई नामुनासिब अमल नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ कनाडा के नुमाइंदा वकील रॉबर्ट फ्रेटर का कहना है कि दिफा ने इल्जाम लगाया है कि कनाडा और रियासत हाय मुत्तहदा के अहदेदारों ने 1 दिसंबर 2018 को हवाई अड्डे पर खुफिया मुजरमाना तहकीकत करवाने की साजिश की थी जो कि सरासर गलत है। बॉर्डर अफसरान ने मैंग को 3 घंटों के लिए रोक रखा था जब CMP ने अमेरिका की दरख्वास्त पर उनकी आरसी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था जो ईरान के खिलाफ पाबंदियों की मुबैन खिलाफ वर्जी से मुंसलिक धोखा दही के इल्जाम पर उसकी हवालगी की ख्वाहा है। फ्रेटर ने ब्रिटिश कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट के जज को बताया कि मैंग के वकला की जानिब से लगाए गए इल्जाम उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें कानूनी हक से महरूम किया गया बिल्कुल गलत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से म्यूलर तहकीकात में मदद तलब कर ली। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से म्यूलर तहकीकात के बुनियादी नुकात की इंक्वायरी जारी कर दी गई। नई इंक्वायरी का मकसद म्यूलर तहकीकात की साख को खत्म करना है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से म्यूलर तहकीकात में मदद तलब कर ली। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से म्यूलर तहकीकात की बुनियादी नुकात की इंक्वायरी जारी कर दी गई। नई इंक्वायरी का मकसद म्यूलर तहकीकात की साख को खत्म करना है। अमरीकी अखबार के मुताबिक रॉबर्ट म्यूलर ने तहकीकती रिपोर्ट अमरीकी महकमा इंसाफ में जमा करवा दी थी। स्पेशल कौंसल रॉबर्ट म्यूलर ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मदाखलत की तहकीकात की थी। अखबार के मुताबिक व्हाइट हाउस ने टेलीफोन कॉल की तफसीलात तक रसाई रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन से म्यूलर को बदनाम करने में मदद मांगी। डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम के दरमियान गुफ्तगु हाल ही में हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट मॉरिसन से अमरीकी अटॉर्नी जनरल से बात करने का कहा था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने सदर ट्रंप से गुफ्तगु की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप ने म्यूलर तहकीकात की इंक्वायरी में मदद की दरख्वास्त की थी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने ट्रंप से गुफ्तगु में अपनी आमादगी की तौसीख की। सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर के दरमियान मशकूक गुफ्तगु और उस पर व्हाइट हाउस के अहलकार के मुस्ताफी होने की खबर ने अमरीका में तहलका मचा दिया है। तमाम हैरान कुन तौर पर सख्त राजदाराना माहौल से खबर निकलवाने के लिए वाशिंगटन के बाखबर और रसाई रखने वाले सीनियर सहाफी नाकाम रहे थे लेकिन एक 20 साल इंटर्नशिप सहाफी तालिब इल्म खबर उचक लेने में कामयाब रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर के दरमियान मशकूक गुफ्तगु और उस पर व्हाइट हाउस के अहलकार के मुस्ताफी होने की खबर ने अमरीका में तहलका मचा दिया है। तहम हैरान कुन तौर पर सख्त राजदाना माहौल से खबर निकलवाने के लिए वाशिंगटन के बाखबर और रसाई रखने वाले सीनियर सहाफी नाकाम रहे थे लेकिन एक 20 साल इंटर्नशिप सहाफी तालिब इल्म खबर उचक लेने में कामयाब रहा। बैन अल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीका में इस वक्त सबसे ज्यादा जिस शख्स पर बात की जा रही है वो कोई ताकत पर शख्स या शोबिस की दुनिया का सितारा नहीं बल्कि एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी का 20 साल तालिब इल्म और स्टूडेंट मैगजीन का एडिटर एंड्रियो हुवावर्ड है जो इलाकाई अखबार में बतौर इंटर्नी काम कर रहा है।
طالبم اینڈریو ہوارڈ نے 27 ستمبر کی شام ہی مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر نیوز بریک کی کہ وائٹ ہاؤس کے مستعفی ہونے والے اہلکار کا نام کرڈی وولکر ہے اور وہ یوکرائن کے لیے امریکی صدر کے خصوصی مشیر کے منصب پر فائز تھے۔ اس خبر نے ٹائمز یا اے پی جیسی نیوز ایجنسی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اینڈریو ہوارڈ کی خبر نے امریکہ میں تہلکہ مچا دیا ہے اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اس خبر پر ششدر رہ گئے۔ نہایت حساس ملکی معاملہ قرار دے کر وائٹ ہاؤس نے ہر ممکن طریقے سے اسے چھپانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن 20 سالہ طالب علم سے ہار گئے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر اور یوکرائنی صدر کے درمیان ہونے والی مشکوک گفتگو پر وائٹ ہاؤس کے ایک اہم عہدے پر فائز اہلکار نے نہ صرف استعفیٰ دے دیا بلکہ مشکوک گفتگو سے متعلق ایک باقاعدہ شکایت انسپیکٹر جنرل کو درج بھی کرائی۔ وائٹ ہاؤس نے ایسے کسی واقعے پر چپ ساتھ لی تھی اور مستعفی اہلکار کا نام ظاہر نہ کیا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرائن اسکینڈل منظر عام پر لانے والے وائٹ ہاؤس اہلکار سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دیگر امریکی شہریوں کی طرح انہیں بھی اس شخص سے ملنے کا حق ہے جس نے ان پر مقدمہ درج کرایا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.